दही खाने से डिप्रेशन और जहनी दबाव से छुटकारा मिलता है। दही में मौजूद अज्जा दिमाग के इन हिस्सों पर असरअंदाज होते हैं जो तकलीफ और परेशानी महसूस करते हैं। दही खाने से कुव्वत फैसलात मजबूत होती है। दही की बदौलत तकलीफ और परेशानी महसूस करने वाले अज्जा की असलियत बेहतर होती है। बढ़ते हुए बच्चे खानों से दूर भागते हैं जिसकी वजह से वो कमजोर हो जाते हैं। ऐसे बच्चों को रोजाना खजूरें खिलाएं। खजूर इन्हें मतलूबा तवनाई फरहम कर सकता है। कम कीमत और खूबियों से भरपूर खजूर कुदरती जखीरा है। इसे खाने से खून की कमी का मसला हल होता है। इसका पोटेशियम दिल के निजाम को दुरुस्त रखता है। बेसन को पानी में घोलकर पेस्ट बना लें और चेहरे पर लगाएं। कुछ देर बाद हाथ से रगड़ कर उतार लें। चेहरे के फालतू बाल खत्म हो जाएंगे। आलू बुखारा तबीयत को नरम रखता है और प्यास को तस्कीन बख्शता है। बरसात के मौसम में प्याज खाने से आप हाजमा जैसी बीमारी से महफूज रह सकते हैं। एक बुजुर्ग कहने लगे, नेक औरत और बेतहाशा दौलत सिर्फ तीन चीजों से मिलती है, मेहनत करने से, अल्लाह की इबादत करने से और नजरें झुका कर चलने से। सो कर उठने के बाद भी नींद आने लगे तो समझ लें कि आपको दिमागी कमजोरी है। देसी घी इस्तेमाल करने से आपका जिस्म ताकतवर और मजबूत हो जाता है और जिस्म का दर्द भी दूर होने लगता है। जो मर्द औरतें अपने चेहरे को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, इन्हें चाहिए कि टमाटर का रस चेहरे पर लगाएं। दुनिया के आधे लोगों ने जिंदगी जीने की आस और अपनी आंखों के कीमती ख्वाब सिर्फ इस वजह से छोड़ दिए कि लोग क्या कहेंगे। किसी पर अंधा एतमाद भी करें तो सोच समझ कर बस एक हद तक करें कि बाद में आप पर इल्जाम न लगे अंधा होने का। शुगर के मरीज लहसुन का इस्तेमाल करें, क्यों ना कि जो जिस्म में इंसुलिन की मकदार को मतवाजन रखता है। पेट भरकर खाना खाने वाले लोगों को लालाज बीमारियों का सामना करना पड़ता है। खून की कमी दूर करनी हो तो बकरे की कलेजी काला नमक लगाकर खाएं। तेजी से रोटी खाने वाले लोगों को दिल की बीमारियां घेर लेती हैं। दांतों पर ठंडा गर्म लग जाए तो फौरी नमक के पानी से गरारे करो। जो अफराद जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, इनमें से ज्यादातर अफराद का पेट बाहर निकल आता है। माश की दाल खाने से जिस्म पर पड़ने वाले सफेद दाग खत्म हो जाते हैं। रात के वक्त चावल इस्तेमाल करने से पेट की चर्बी में इजाफा होता है। अगर छोटी आंत का मसला हो तो बासी रोटी खाने और ठंडे मशरूबात से परहेज करना चाहिए। जो औरत रोजाना कमर के बाल सोती है, उसको सर दर्द की शिकायत ज्यादा होती है। जिसका मुंह कड़वा रहता हो, उसको इलायची का एक बीज वक्फे वक्फे से चबाना चाहिए। जिस औरत के कुल्हों पर चर्बी ज्यादा होती है, उसको घुटने के दर्द की शिकायत ज्यादा होती है। जिस घर में काली भेड़ होती है, वो घर बद नजरी से हमेशा महफूज रहता है। कानों के अंदर खारिश का होना जायदाद कम होने की अलामत है। बाएं जानब सोते हुए डरोना ख्वाब का आना घर में कालो जादू की अलामत है। पेट में दर्द होने लगे तो उल्टा लेट जाओ, कुछ टाइम में काफी हद तक आराम आ जाएगा। जिन्हें गुस्सा ज्यादा आता हो, वो किशमिश खाया करें। घुटनों में शदीद दर्द का मसला हो तो मिश्री और अंगूरी सिरका मिलाकर चाटने से दर्द में आराम मिलता है। जिस कपड़े पर जंग लग जाए, उस पे आलू रगड़ें तो जंग उतर जाएगा। चेहरे पर नारियल का खालिस तेल मल लेने से चेहरे के दाने खत्म हो जाते हैं। लेट कर जब खड़े होकर पानी पीने वाला बंदा बहुत जल्द कमजोर हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि सफर करने से हार्ट अटैक और डिप्रेशन का खतरा कम और दिमागी सेहत अच्छी हो जाती है। रात को कपड़ों पर खुशबू लगाने से ग्रेज करें, इससे याददाश्त कमजोर होती है। कच्चे आम आग पर बूंद कर उसका रस निकाल लें, उसमें गुड़ का शरबत मिलाकर मरीज को पिलाएं। हर तरह की बीमारी में मुफीद है। पेशाब रोकने से गुर्दे फेल हो सकते हैं। छींक रोकने से मर्दाना कमजोरी हो जाती है। शाम को सफर करने से परहेज करो। समुद्री नमक चाटने से वजन में कमी आती है।